हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न। आज हम सीखेंगे एक ऑडियो या वीडियो फाइल का ऑटोमेटिक ट्रांसक्रिप्शन कैसे किया जाता है। ऑटोमेटिक ट्रांसक्रिप्शन के कई फायदे हैं, जैसे कि यह मैनुअल ट्रांसक्रिप्शन के कंपैरिजन में हमारा 80% तक टाइम बचा सकता है। यह ट्रांसक्रिप्शन के लिए जरूरी एफर्ट्स को कम कर देता है और स्ट्रेस भी कम कर देता है। यह लगभग फ्री है या बहुत सस्ता है। ऑटोमेटिक ट्रांसक्रिप्शन करना बहुत आसान है, तो क्यों ना टेक्नोलॉजी का यूज करके काम को आसान बना लिया जाए। एंड मेनी मोर। ऑटोमेटिक ट्रांसक्रिप्शन करने के कई तरीके हैं, जैसे कि एक्सप्रेस स्क्राइब, वोकलमैटिक, speech.io, सोनिक्स, प्रिंट, गूगल डॉक्स, ड्रैगन डिक्टेट, यूट्यूब, ड्रैगन नेचुरल स्पीकिंग, स्पोकन डेटा। और यह लिस्ट यहीं ख़त्म नहीं होती, और भी बहुत सारे तरीके हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हैं, पर इनमें से बहुत सारे या तो एफिशिएंट नहीं हैं या केवल गुड क्वालिटी ऑडियो फाइल्स के साथ ही काम करते हैं। यह तय करना कि इनमें से बेस्ट कौन सा है काफ़ी कन्फ्यूजिंग था, पर मैं आपके लिए कुछ हिडन जेम्स ढूंढ के लाया हूँ। और टॉप 5 ऑटोमेटिक ट्रांसक्रिप्शन टूल्स का काउंटडाउन शुरू होता है अब। नंबर 5, वोकलमैटिक। साइन अप करने के बाद आपका वोकलमैटिक अकाउंट लॉगिन कीजिए, और इसमें होम पेज कुछ ऐसा दिखेगा। बस न्यू ट्रांसक्रिप्शन पर क्लिक कीजिए और जो ऑडियो फाइल आप ट्रांसक्राइब करना चाहते हैं उसे अपलोड कीजिए। फिर लैंग्वेज सेलेक्ट करो और कंफर्म करके सबमिट कीजिए। अब क्लिक करें बैक टू माय अकाउंट। होम पेज पर आप देख सकते हैं फाइल नेम, स्टेटस एंड डेट ऑफ क्रिएशन। आपकी ऑडियो फाइल की लेंथ के अनुसार 5 से 10 मिनट का इंतजार करने के बाद पेज रिफ्रेश कर दें। अब इसका स्टेटस कंप्लीट हो चुका है, सो आप फाइल नेम पर क्लिक करके ट्रांसक्रिप्ट ओपन कर सकते हैं। लेफ्ट साइड आप ट्रांसक्रिप्ट देख सकते हैं और राइट साइड में ऑडियो प्ले ऑप्शन एंड शॉर्टकट कीज। यह वाकई बहुत आसान इंटरफेस है, जिस पर आप बार बार टैब्स और विंडोज़ को चेंज किए बगैर ट्रांसक्रिप्ट को एडिट कर सकते हो। आप बस ऑडियो को प्ले कीजिए और ट्रांसक्रिप्ट से मैच कीजिए। जो भी मिस्टेक्स ट्रांसक्रिप्ट में आपको मिलती हैं उनको करेक्ट करके आप ट्रांसक्रिप्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आसानी से आप यूज कर सकते हैं। नंबर 4, YouTube क्लोज कैप्शनिंग। YouTube क्लोज कैप्शनिंग का यूज करके ऑडियो फाइल को ट्रांसक्राइब करने के लिए पहले ऑडियो फाइल को वीडियो फाइल में बदलना होगा, और ऐसा करने के लिए tunestube.com पर जाएं और अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन करके मैनेज योर यूट्यूब अकाउंट अलाउ कर दें। अब आपको ऑडियो फाइल और एक इमेज अपलोड करनी होगी जो कि एक वीडियो फाइल में एनकोड हो जाएगी। अब क्रिएट वीडियो पर क्लिक करें। ट्यून्स्टिट्यूब फाइल को एनकोड करके यूट्यूब पर अपलोड कर देगा। अब आपका YouTube अकाउंट ओपन कीजिए और क्रिएटर स्टूडियो पर जाइए। अपलोडेड वीडियो पर जाएं और ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करके subtitle/cc सेलेक्ट करें। अपनी भाषा का चयन करें और अब आप खुद से भी सबटाइटल्स क्रिएट कर सकते हैं। बस आपको अपनी प्रेफर्ड लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होगी और आप मैन्युअली सबटाइटल्स ऐड कर सकते हैं, फिर पब्लिश कर सकते हैं, या फिर आप आराम से 5 से 10 मिनट वेट कीजिए और ये काम आपके लिए यूट्यूब को करने दीजिए। ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करके subtitle/cc सेलेक्ट करें, और अब इंग्लिश ऑटोमेटिक सबटाइटल्स रेडी है। आप सबटाइटल्स ओपन कर सकते हैं और यदि कोई एरर दिखती है तो उसे आसानी से करेक्ट कर सकते हैं। एक बेहद यूजफुल फीचर YouTube एडिटर देता है जो वोकलमैटिक में नहीं था।
वो ये है कि आपको ऑडियो को बार बार रिवाइंड या फॉरवर्ड करने की ज़रूरत नहीं होती। आप बस किसी भी सबटाइटल पर क्लिक कीजिए, ऑडियो उस पॉइंट से ऑटोमेटिकली प्ले होना शुरू हो जाता है जिसे आप सुनकर एडिट करना चाहते हैं। यह वाकई बहुत सारा टाइम सेव करता है। एडिटिंग कंप्लीट हो जाने के बाद एक्शन पर क्लिक करें, फिर डाउनलोड सबटाइटल्स पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स एंड लाइन ब्रेक्स ऑनलाइन रिमूव करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक्स को फॉलो करें। नंबर 3, स्पोकन डेटा। साइन अप करने के बाद लॉगिन करें और ऑडियो फाइल को अपलोड कर दें। फिर स्पोकन डेटा को थोड़ा सा वक्त दें आपकी ऑडियो फाइल को ऑटोमेटिकली ट्रांसक्राइब करने के लिए, और जब यह हो जाता है तो यह कुछ ऐसा दिखेगा। ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करें और एडिट सबटाइटल सेलेक्ट करें। इसका इंटरफेस और फंक्शनैलिटी काफ़ी हद तक यूट्यूब के जैसा होता है, पर इसमें YouTube से ज़्यादा फीचर्स होते हैं जैसे कि ट्रैकिंग स्पीकर एंड मैनी मोर। नंबर 2, ट्रेंट। साइन अप करने के बाद आप ट्रेंट अकाउंट में लॉगिन कीजिए। यहाँ पर आप वेलकम टू ट्रेंट पर क्लिक करके एक डेमो देख सकते हैं ट्रेंट कैसे काम करता है के बारे में। अब होम पेज पर वापस जाइए और अदर फीचर्स ब्राउज कीजिए। यहाँ पर आप बहुत सारे ऑप्शंस देख सकते हैं। टॉप राइट कॉर्नर पर एक ग्रीन अपलोड बटन है, अपलोड पर क्लिक कीजिए और पॉपअप में सारे ऑप्शंस को ये सिलेक्ट करके प्रोसीड कीजिए। अब आप ऑडियो फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं। अब आप लैंग्वेज सेलेक्ट करके ट्रांसक्राइब पर क्लिक कर दें और कुछ समय वेट करें। अब ट्रांसक्रिप्ट रेडी है, फाइल नेम पर क्लिक करके ओपन कर लें। यहाँ पर आप ऑडियो प्ले कर सकते हैं और ऑडियो का स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं। प्रिंट का सबसे अच्छा फीचर ये है कि यह हर शब्द को टाइम स्टैम्प करता है, इसलिए आप जब भी किसी शब्द पर क्लिक करते हैं ऑडियो उसी वर्ड से प्ले होना शुरू हो जाता है, जिससे एडिटिंग करना काफ़ी स्मूथ और फास्ट हो जाता है। प्रिंट ऑडियो को प्ले करते समय उस वर्ड को हाईलाइट भी करता है जिसे यह प्ले कर रहा होता है, जिससे हमें पता रहता है कि पॉइंटर कहाँ है। इन फीचर्स को एक बार फिर देखें। नंबर 1, सोनिक्स। साइन अप करके लॉगिन करें अपने सोनिक्स अकाउंट में। फिर फाइल अपलोड करें और लैंग्वेज सेलेक्ट करके स्टार्ट ट्रांसक्राइबिंग पर क्लिक करें और कुछ समय के लिए वेट करें।
और अब ट्रांसक्रिप्ट रेडी है। आप स्क्रीन पर अलग अलग कलर कोड देख सकते हैं। ब्लैक मीन्स हाईली कॉन्फिडेंट है, जिस वर्ड को ट्रांसक्राइब किया है उसके ऊपर। डार्क ऑरेंज मीन्स थोड़ा सा कम कॉन्फिडेंट है, मतलब इसमें कुछ गलतियाँ हो सकती हैं। लाइट ऑरेंज मीन्स सबसे कम कॉन्फिडेंट। सोनिक्स में ज़्यादातर फीचर्स प्रिंट के जैसे ही हैं, पर इसमें जो एडिशनल फीचर्स हैं जैसे कि कलर कोड और स्पीकर आईडी ट्रैकिंग, ये लाजवाब हैं। यही सोनिक्स को इस कैटेगरी में नंबर वन बनाते हैं। पिक्चर अभी बाकी है। जी हाँ, आप ट्रांसक्रिप्शन तो कर लोगे, पर करेक्ट पंक्चुएशन कैसे करोगे? पंक्चुएशन के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें, वहाँ आपको पंक्चुएशन से रिलेटेड एप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एक और बात, YouTube को छोड़कर बाकी चार जो मेथड बताए हैं वो कम्प्लीटली फ्री नहीं है, पर उनको YouTube के जैसे ही यूज किया जा सकता है। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें। इस वीडियो से रिलेटेड सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप वीडियो से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मैं अपने हर व्यूअर और सब्सक्राइबर के कमेंट पर रिप्लाई ज़रूर देता हूँ। सो प्लीज़ कमेंट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।